बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। टुडे वी विल स्टडी न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 7। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 19। टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 2, ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक मीन्स काला एंड ब्यूटी खूबसूरती। सो बच्चों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक घोड़े की कहानी है जो अपनी ज़ुबानी अपनी बात कर रहा है, अपनी स्टोरी सुना रहा है। सो वर्ड्स टू नो सर्कमस्टांस, हाल, अ पर्टिकुलर इंसिडेंट और हैपनिंग। कॉल्ड अ यंग मेल हॉर्स, एक जवान घोड़ा, घोड़े का बच्चा यू कैन से। प्रिक्ड, एड़ लगाना। कॉज टू स्टैंड इन पॉइंट ऑफ वार्ड्स, किसी चीज़ को उखेड़ना। स्टैग, हिरन, अडल्ट मेल डीर। द सेंट, द ट्रेल ऑफ हंटेड एनिमल्स, किसी शिकारी जानवर की खुशबू। वाइन, टू मेक अ लॉन्ग हाई पिच्ड साउंड एज इफ इन पेन। वाइन कराना, यानी कि पेन की वजह से कोई हाई साउंड बनाना, क्रिएट करना। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। दिस एक्सर्प इज टेकन फ्रॉम द नॉवल ब्लैक ब्यूटी बाय एना सिवल, हु लिव्ड फ्रॉम 1822-1878। ये एक्सर्प जो है, ये ब्लैक ब्यूटी नॉवल से लिया गया है, जो लिखा गया है बाय एना सिवल से, जो कि 1820 से 1878 तक जिंदा रहीं। The story is about a horse. ये स्टोरी एक, ये कहानी घोड़े के बारे में है। एंड यू विल सी फ्रॉम दिस शॉर्ट पीस दैट द स्टोरी इज़ टोल्ड बाय अ हॉर्स, और आप इस छोटे से टुकड़े से ये जान पाएंगे कि ये स्टोरी जो है वो हॉर्स, घोड़े के ज़रिए बयान की गई है। दिस पर्टिकुलर पैसेज डील्स विद द क्वेश्चन, ये एक ख़ास जो पैसेज है ये डील्स विद द क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर करेगा। कौन सा क्वेश्चन? ऑफ ब्लड स्पॉट्स विच इज़ हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एज अ स्पॉट, यानी कि जो खून बहाना है, जो जानवरों को को शिकार करना है, क्या ये राइट है या रोंग है। इस क्वेश्चन का ये जो पर्टिकुलर पैसेज है डील करेगा विद दिस क्वेश्चन। द ब्लड स्पॉट्स विच इज़ हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एज अ स्पॉट, यानी कि सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए जो जानवरों को हंट करना, क्या ये जायज़ है। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज, दिस इज़ अ सब्जेक्ट ऑन विच द पब्लिक इज़ मच डिवाइडेड, ये ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा टॉपिक है जिस पे लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं, यानी कि कुछ कहते हैं कि हंटिंग जायज़ है और कुछ कहते हैं नहीं जायज़, लाइक डिफरेंट आरा हैं लोगों की। सो बिफोर आई वॉज 2 years old, यहाँ तक कि मैं अभी 2 साल का नहीं था, अ सर्कमस्टांस हैपन, कुछ इस तरह के हालात वाकई हुए, विच आई हैव नेवर फॉरगॉटन, जो मैं कभी नहीं भूल सकता। इट वॉज अर्ली इन द स्प्रिंग, ये बहार का स्टार्ट था, शुरू का टाइम था। देयर हैड बीन अ लिटिल फ्रॉस्ट इन द नाइट, यानी कि अभी सर्दी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी। देयर हैड बीन अ लिटिल फ्रॉस्ट इन द नाइट, यानी कि रात का कुछ थोड़ा बहुत यानी कि सर्दी जम जाती थी, लाइक ये बर्फबारी नहीं होती, फ्रॉस्ट जमना मीन टू से कि जब थोड़ी थोड़ी सर्दी की फीलिंग होती है तो पत्तों के ऊपर और बाहर जितनी भी चीज़ें पड़ी होती हैं उनके ऊपर कुछ ओस पड़ी होती है जिसको फ्रॉस्ट बोलते हैं। एंड अ लाइट मिस्ट स्टिल हंग ओवर व्हेन वी द वुड्स एंड मेडोज, और मिस्ट यानी कि थोड़ी सी धुंध जो है, हंगओवर मुसलसल, ये जो धुंध जो है वो चूंकि ऊपर से आती है इसलिए इसको यहाँ पे हंगओवर के मीनिंग में लिखा गया है। एंड अ लाइट में स्टिल हंग ओवर द वुड्स इन मेडोज, यानी कि जंगलों और जो चरागाहें थी उनके ऊपर, झाड़ियों, वुड्स, झाड़ियों और चरागाहों के ऊपर मुसलसल कुछ धुंध अभी थी। आई एंड द अदर कॉल्स वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड,
मैं और बाकी दूसरे जो घोड़े थे हम लोग फीडिंग चर रहे थे एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड, खेत के निचले हिस्से में. व्हेन वी हर्ड, जब हमने सुना, क्वाइट इन द डिस्टेंस, कुछ फासले पर, व्हाट साउंडेड लाइक द क्राई ऑफ डॉग्स. जैसे कि क्राई वैसे होता है चीखना, लेकिन यहाँ पे क्राई इस मीनिंग में यूज़ हुआ कि कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी. द ओल्डेस्ट ऑफ द कॉल्ट्स रेज्ड हिज हेड, जो घोड़ों में सबसे ओल्ड था, जो बड़ा था, उसने अपने कान खड़े कर लिए. प्रिक्ड अप हिज रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सर ऊपर उठाया. प्रिक्ड अप हिज ईयर्स, अपने कान खड़े किए. एंड सेट, और कहा, देर आर द हाउंड्स, वो देखो शिकारी हैं. एंड इमीडिएटली और फौरन केंटेड ऑफ, भागते हुए, यानी कि भाग निकला. फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ अस, और हम सब ने उसको फॉलो किया. सो टू द अपर पार्ट ऑफ द फील्ड, खेत के ऊपर वाली अपर पार्ट, ऊपर वाले हिस्से की तरफ. वेयर वी कुड लुक ओवर द हेज एंड सी सेवरल फील्ड्स बियॉन्ड, यानी कि हम खेत के ऊपर वाले पार्ट में चले गए थे जहाँ से हम देख सकते थे झाड़ियों को, और जो खेत के डिफरेंट पार्ट्स थे दूसरी तरफ उनको हम देख सकते थे बियॉन्ड दूसरी तरफ. माई मदर, मेरी माँ, एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स ऑफ आर मास्टर्स वर आल्सो स्टैंडिंग नियर. मेरी माँ और एक बूढ़ा जो हमारे मास्टर का घोड़ा था जिसपे वो राइड करता था, वर आल्सो स्टैंडिंग नियर, वो भी करीब खड़े थे. एंड सीम टू नो ऑल अबाउट इट, और देख रहे थे, यानी कि सीम दिखाई दे रहे थे, टू नो कि वो भी जानना चाहते हैं ऑल अबाउट इट, कि क्या हो रहा है उस तमाम, उसके बारे में जानना चाहते हैं. दे हैव फाउंड अ हेयर, उन्होंने खरगोश को तलाश कर लिया है. सेड माई मदर, मेरी मदर ने कहा, एंड इफ़ दे कम दिस वे वी शैल सी द हंट, और अगर वो इस रास्ते से आते हैं तो हम जो है वो शिकार देख सकते हैं, कि यानी कि शिकार कैसे किया जाता है. एंड सून द डॉग्स वर आल टेयरिंग डाउन द फील्ड ऑफ यंग व्हीट नेक्स्ट टू आर्स, और जल्द ही कुत्ते जो हैं टेयरिंग डाउन, यानी कि चीर फाड़ करते हुए आ रहे थे द फील्ड ऑफ यंग व्हीट, यानी कि यंग व्हीट अभी, यानी कि गंदम के जो पौधे थे वो बहुत छोटे छोटे थे, जो मकई वगैरह जो लगी भी थी वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे प्लांट्स थे, और उनको वो जो है रोनते हुए आ रहे थे कुत्ते. आई नेवर हर्ड सच अ नॉइज़ एज द मीट, मैंने ऐसा शोर पहले कभी नहीं सुना जो वो बना रहे थे, यानी कि जो उनकी वजह से हो रहा था. दे डिड नॉट बार्क, वो भोंक नहीं रहे थे. नॉर हॉल, ना ही के घुरा रहे थे. नॉर वाइन, ना करा रहे थे. बट केप्ट ऑन अ यो 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 एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, लाइक वो जो एक होता है ना कि कुत्ते की एक स्पेसिफिक वॉइस होती है, तो ये उस साउंड को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, कि वो ना तो वो घुरा रहे थे, ना तो वो जैसे कुत्ता मुंह में ऐसे घुरा रहा होता ना, या साउंड निकाल रहा होता, तो ये वैसे नहीं था. एक लंबी साउंड थी जो जो करके, तो इस तरह की वॉइस के बारे में बता रहा वो. और ये स्पेसिफिक साउंड होती है जिससे जो हंटर्स होते हैं, मोस्टली जो हंटर्स होते हैं ना, वो इस तरह के कुत्तों को साथ रखते हैं, क्योंकि वो स्मेल करके उनको बता देते हैं कि फ़लानी जगह पे कोई एनिमल या कोई इस तरह का उनका शिकार मौजूद है. और ये एक स्पेसिफिक साउंड है जिससे शिकारी को पता चलता है कि हाँ, कुत्तों ने कोई चीज़ स्मेल की है. और कुत्तों की सूंघने की जो हिस होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है. ठीक है. आफ्टर देम केम अ नंबर ऑफ मेन ऑन हॉर्स बैक, और इनके आफ्टर देम केम अ नंबर ऑफ मेन ऑन हॉर्स बैक, सम ऑफ देम इन ग्रीन कोट्स, आल गैलपिंग एज फास्ट एज दे कुड. और इनके बाद कुछ आदमी आ रहे थे जो घोड़ों के पे सवार थे. सम ऑफ देम इन ग्रीन कोट्स, कुछ उसमें से सब्ज रंग के कोट पहने थे. आल गैलपिंग एज फास्ट एज दे कुड, और वो इतनी तेज़ी से चल रहे थे जितना तेज़ वो चल सकते थे, यानी कि सर पर भगा रहे थे घोड़ों को. द ओल्ड हॉर्सेस स्नॉटेड एंड लुक्ड ईगरली आफ्टर देम, और उनके बाद जो बूढ़े घोड़े थे वो गुस्से का इजहार करते हुए इनके तेज़ी से आ रहे थे और बड़े शौक से उनके चल रहे थे. एंड वी यंग कॉल्स वांटेड टू बी गैलपिंग विद देम, और यानी कि द ओल्ड हॉर्सेस स्नॉटेड एंड लुक्ड ईगरली आफ्टर देम, यानी कि जो हमारे पास जो घोड़े खड़े थे ओल्ड हॉर्सेस, वो बड़े गुस्से का इजहार करते हुए और बड़े शौक से देख रहे थे उनको. एंड वी यंग कॉल्स वॉन्टेड टू बी गैलपिंग विद देम, और हम जो जवान घोड़े थे हम चाहते थे कि हम भी उनके साथ गैलपिंग सरपट भागें. बट दे वर सून अवे इन टू द फील्ड लोअर डाउन, और वो जल्द ही खेतों में नीचे की तरफ चले गए. हेयर इट सीम्ड एज इफ दे हैड कम टू अ स्टीन,
द डॉग्स लेफ्ट ऑफ बार्किंग। और अब यहाँ जब वो वहाँ गए तो ऐसा दिखाई देने लगा कि कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया है। एंड रेन अबाउट एवरी वे विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड। और वो दौड़े थे ज़मीन पर अपनी नाक को लगाते हुए, यानी कि जब कुत्ता जब कोई चीज़ अपना शिकार सूंघ के बता रहा होता है, जब कोई चीज़ लाइक उसकी शिकार जो है वो गायब हो गया, तो फिर वो खुशबू के ज़रिए उसको सूंघ सूंघ के ज़मीन पे तलाश करता है। दे हैव लॉस्ट द सेंट, उन्होंने वो खुशबू उनसे खो गई है। सेड द ओल्ड हॉर्स, बूढ़े घोड़े ने कहा, परहैप्स शायद द हेयर विल गेट ऑफ, शायद खरगोश जो है वो बच निकला है। व्हाट हेयर, क्या खरगोश, आई सेड, मैंने कहा, ओ आई डोंट नो व्हाट हेयर, मैं नहीं जानती कौन सा खरगोश, लाइकली इनफ इट मे बी वन ऑफ आर ओन हेयर्स आउट ऑफ द वुड्स, हो सकता है शायद ये वही खरगोश हों जो हमारे करीब की झाड़ियों में रहते हैं। एंड हेयर दे कैन फाइंड विल डू फॉर द डॉग्स एंड मेन टू रन आफ्टर, एंड और वो खरगोश दे कैन फाइंड विल डू फॉर द डॉग्स, और वो ये खरगोश इनके जो कुत्तों ने सूंघ के जिनको तलाश कर लिया है, एंड मेन टू रन आफ्टर, और वो शिकारी जो हैं उनके पीछे भाग रहे हैं।